तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30 और हम थोड़ा गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, हम काँप रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। बहुत ही सुंदर जगह है ये, मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना मेहनत करके आया यहाँ पे, इतना हालत ख़राब हो गई भैया रोड पे। आज जो है यहाँ पे जो मंदिर के संस्थापक है उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सारा, मतलब पूरा लॉज के जैसे फैसिलिटी दिया, बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। मैं भी चाहूँगा कि आप लोग विजिट करें यहाँ पे। यहाँ पे जो है के उद्देश्य रहे वहाँ तो महायज्ञ का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। बैसाख बैसाख 6 तारीख 6 गते से लेकर जेठ 7 गते तक जो है यहाँ पे प्रोग्राम चलेगा। इसका जो ये जो जगह का है लोकेशन में जो होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं, इस जगह के बारे में पता कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। बाकी फिलहाल अभी ठंड बहुत लग रही है, देख लो मामा का हालत ख़राब है। तो चलिए अभी चलते हैं, हम स्नान करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं, सीधा निकलेंगे हम लोग। आज कल जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नहीं जाएंगे आज, अब उस रास्ते तो जाने की हिम्मत नहीं है। अब जो है हम इधर से क्या है रसौली रामपुर रामपुर की रास्ते से जो है हम अब घर की तरफ बुटोल की तरफ निकलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, आते हैं हम उसके बाद फिर मिलते हैं। दोस्तों हम जो है नहा वगैरह के आ गए, चाय वगैरह पी लिया, यहाँ के लोगों ने हमें ये खाने को दिया है, बड़ा ही अच्छा सा दिख रहा है ये। बहुत मिठो छ यहाँको पिँडालु छ तपाईको छ चित्तौरहरु भन्दा पनि एकदम टेस्टी। तो आपने देखा जो मामा का रिएक्शन था, मतलब टेस्ट टेस्टी है कह रहे, मैंने तो आज तक पहले खाया नहीं, चलो खा के देखते हैं कैसा लगता है। दोस्तों अब हम रेडी हो चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और अब हम फाइनली जा रहे हैं जो हमारा मेन था यहाँ पे शालिग्राम ढूंढने का। सीधा हम जाएंगे वहाँ पे, हम कैंप लगाएंगे, खाना वगैरह बनाएंगे, उसके बाद फिर जो है 1-2 घंटा वहीं पे पूरा दिल खोल के शालिग्राम खोजेंगे अगर मिलता है तो, वरना फिर घूमते घुमाते हम जो है घर चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर सीधा शालिग्राम मिलने वाली जगह पे। दोस्तों हम आ चुके हैं जहाँ पे, मतलब एग्जैक्टली हमको जो है शालिग्राम मिलेगा। भाई इतनी दूर डेस्टिनेशन पे आके इतने ख़तरनाक रास्तों से आए हम, अब मैं जो है आप वीडियो में देखिएगा, वीडियो में तो उतना ज़्यादा समझ में ना आए, फिर भी जो है हमने जो खुद से एक्सपीरियंस किया है, रोड भैया इतने ज़्यादा ख़राब है, इतने ज़्यादा ख़राब है, मतलब अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो ही जो है आए यहाँ पे, क्योंकि अगर आप नहीं चला पाएंगे गाड़ी तो कोई मतलब नहीं है आने का, आप हर एक जगह पे गिरेंगे। हमारे जो साथी हैं एक रास्ते में गिर गए थे, तो इसमें क्या है समस्या हो सकती है, चोट लग सकती है, तो प्रॉब्लम होगा।
इतनी दूर आने के बाद फिर यहाँ पे क्या बीच में आपको कहीं होटल वगैरह भी नहीं मिलेगा, पूरा जो है पूरा सुनसान इलाका रहेगा। और ये जो है एग्जैक्ट लोकेशन वो भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जो है जाके चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लोकेशन है। अभी जो है हम नीचे जाएंगे खाना वाना खा के, नीचे जाके फिर जो है ड्रोन वगैरह उड़ा के जो है आपको व्यू जो है यहाँ का सीन वगैरह दिखाएंगे। बाकी देख सकते हैं पॉल्यूशन, वो सामने का पहाड़ देख रहे हैं, इतना बड़ा पहाड़ है वो दिख ही नहीं रहा है, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे पॉल्यूशन ही अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, काठमांडू में शायद आग वगैरह लग गई थी जंगल में, उसके वजह से जो है पूरा पॉल्यूशन है। अभी जो है इधर हम खाना वगैरह बना रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा पूरा सामान वगैरह हमने यहाँ रखा हुआ है, और वहाँ हमारा खाना पक रहा है। और ये जो है एक आश्रम है, बाल श्रमिक आश्रम करके कुछ है, तो ये इस लोकेशन पे आएंगे तो अगर आपको शालिग्राम चाहिए तो आप जो है इस लोकेशन पे आइए, तो आपको जो है दिन भर ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं कि जाओ भैया नदी में और मिल जाए हमको शालिग्राम, ऐसे मतलब चिल्लरों में मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है नीचे पानी में उतरना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो है आपको शालिग्राम मिलेगा। अब ये एक दो जितना भी मिले अब आप पहचान सकते हैं, तो आपको और अच्छे से मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अभी हम नीचे जाएंगे, अभी खाना वगैरह पेट पूजा करके तो खाना खाते हैं पहले। तो गाइस हमारा देसी जुगाड़ देख सकते हैं, इधर आओ यार, इधर मसाला बना रहा हूँ। आ रहे मामा जी, बस दो मिनट आ गए। ये जो है हमारा देसी प्लेट है, देख सकते हैं, नेचुरल प्लेट कह सकते हैं इसको, बहुत ही सुंदर है। इसी में जो है हम अब खाना खाएंगे, तो मैं अभी चलता हूँ मसाले में हेल्प करता हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा हमको। मामा जी क्या कर रहे हो बताइए, थोड़ा सा मसाला पीस रहा हूँ। मसाला पीस रहे हैं नेचुरल स्टाइल से, मसाला पीस रहे वाला मिक्सर है ओरिजिनल, जापान से भी, जापान से भी अच्छा टिकाऊ टिकाऊ है इसका, और इसका स्वाद जो है नेचुरल वाला स्वाद आएगा, नेचुरल वाला। दोस्तों हम जो है खाना वगैरह खा लिए हैं, अब जो है हम जा रहे हैं नीचे शालिग्राम ढूंढने। ये आप जो है यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद फिर जो है यहाँ से नीचे से चलते हुए फिर जो है ऐसा रास्ता देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। तो यहाँ से चलते हुए जो है आपको पूरा नीचे तक उतरना है, तो उतरते हैं, उतरने के बाद फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू। तो दोस्तों हम जो है पहुँच चुके हैं जहाँ पे मिलता है शालिग्राम पत्थर। तो कल जहाँ हम लोग थे वहाँ पे जो है थोड़े सफ़ेद पत्थर ज़्यादा थे, रंग बिरंगे पत्थर भी ज़्यादा थे। आज जो है यहाँ पे काले पत्थरों की तादाद तो जो है थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, तो चांसेस हैं यहाँ पे मिलने के। खुश हैं ग्राम का जो पत्थर है उसमें जो है ऐसे चक्र बना हुआ होता है, गोल गोल सा वो जो पत्थर जो होता है उसमें चक्र बना होता है। पहले तो वो एकदम डार्क ब्लैक कलर का रहेगा, डार्क काले कलर का रहेगा, उसके बाद फिर जो है गोल रहेगा शेप में, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो रहता है गोल रहता है और एकदम काला रहता है। ये नहीं कि थोड़ा सा एकदम सफ़ेद सफ़ेद जैसा ब्लैक होता है, वैसा नहीं, पूरा काला रहता है वो। और जो चक्र जो बना होता है उस पत्थर को अगर हम तोड़ेंगे, उस पत्थर में कहीं पे भी आप देखिएगा कि एक गोल्डन कलर का जो है एक छेद होगा, या फिर हल्का सा मतलब जैसे जंग लगता है तो होता है ना, वैसा कुछ होगा। तो आप अगर उसको वहाँ से तोड़ेंगे तो फिर जो है अंदर आपको चक्र मिलेगा, तो वो जो होता है हमारा शालिग्राम होता है। तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं, मैं तो एक कोका कोला का बोतल ही लेके घूम रहा हूँ अभी तक, देखते हैं खोजते हैं। अब उसे खोज रहे, अभी तक एक भी नहीं मिला, और इतने धूप में देख सकते हैं कितना पसीना आ चुका है हमको,
और धूप भी बहुत गंदा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा धूप आ रखा है। खोज रहे हैं हम लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है। इतना आसान जितना सोचे थे उतना आसान नहीं है ये भैया, ऐसी नहीं, मार्केट में इतने महंगे मिलते हैं ये। अब समझ में आ रहा है कि इतने महंगे क्यों मिलते हैं। मार्केट वगैरह में कितने में मिलता होगा मामा ये? 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 स्टार्टिंग है ना? हाँ, 6,000, 7,000 वो एकदम डिपेंड रहता है वो साइज का, और उसमें चक्र हो या ना हो उसके ऊपर रहता है। चक्र रहेगा तो उसको 50,000, 60,000, 1,00,000 तक पड़ता है। अच्छा, जिसमें चक्र हो, जैसे ये प्लेन है इसमें उतना ज्यादा रेट नहीं पड़ता है। जिसमें चक्र रहता है वो तो 100% हो गया। इसको गेस करना चाहिए, ये सालिग्राम करके। अच्छा। वो तो 100% चक्र हो गया तो उसको तो उसमें तो ऑटोमेटिक बनता है वो सूर्यदेव का और नागदेव का, विष्णुदेव का चक्र, और सूर्य पूरा, सूर्य का पूरा ये सूर्य निकलता है ना वैसे ही दिखता है वो उसमें, इसीलिए उसका चक्र में जो जिसमें चक्र है वो 100% हो गया। इसका ज़्यादा रेट पड़ता है 50-60 हज़ार। अच्छा, और लोकल का लेना चाहेंगे तो कितना? लोकल जैसे नॉर्मल सा लेना चाहेंगे? नॉर्मल लेंगे तो 5,000-6,000, 7,000 इतने वैसे ही रेट पड़ता है। अच्छा, साइज देखने पर उतने साइज में मिलता है, इतने महंगे मिलते हैं देख लो, इसीलिए ये पसीना निकल रहा है इधर से। इतना आसान नहीं था, मेरे को लगा था ऐसे ही मिल जाएगा, नदी के किनारे जाएंगे उठाएंगे। नहीं नहीं, वही वैसे उठाना भी नहीं मिलता है ना, देख लिए ना आपने, वहाँ अंदर चेक होता है, ले जाना नहीं मिलता है। वो राष्ट्रीय निकुंज में रोक देता है ये सब ले जाने के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट नहीं देता है ले जाने के लिए। यहाँ की मामा कह रहे हैं कि वहाँ पे एक जगह मामा को रोका था, उसने कहा कि यहाँ पे जैसे अगर आप शालिग्राम लेते हैं तो उसका जो है ऐसे डायरेक्टली नहीं देते हैं उनके लिए, उसके लिए क्या होता है हमको यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होता है। मीडिया वाले है करके हमको जो है थोड़ा सा छूट मिला है यहाँ पे, तो हम लोग क्या है घूमने के लिए, मामा क्या है एक बार प्रोग्राम भी कर चुके हैं वहाँ पे, तो इसलिए पहचानते थे मामा, तो इसलिए हमको आने दे दिए। एक्चुअली कल उस तरफ गए थे, उस तरफ थे हम, तो वहाँ पे क्या वो गांव वाले थे और वहाँ पे उतना नहीं भी मिलता है, यहाँ पे जो है चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे इतना प्रतिबंध लगाया गया है। खोजते हैं यार, पसीना से तो नहा लिए पूरे। तो दोस्तों, इतना ढूंढने के बाद फाइनली जाके मेरे को एक मिला है, वो भी चक्र के साथ। ये तो हमने गंगा का जो पानी है वो लेके ये जो है लेके जा रहे हैं, ये गंगा का पानी रखा है हमने इस बोतल पे। और जो है हमको जो ओरिजिनल शालिग्राम बोलते हैं, देख सकते हैं मैंने खोजा है इसको। यहाँ पे हमको आए हुए लगभग 2 से 2.5 घंटा हो चुका है। 2 से 2.5 घंटा में मुझे क्या मिला है, ये देख सकते हैं, ये आपका ओरिजिनल शालिग्राम। जिसमें आप इसकी पहचान कैसे होगी, देख सकते हैं ये पूरा एकदम डार्क ब्लैक है, और इसमें जो है यहाँ पे देख रहे होंगे चक्र बना हुआ है, यहाँ पे एक चक्र है, ये पूरी तरीके से नहीं बना है, लेकिन ये है आपका शालिग्राम। तो ये तो है भैया, मैं अपने घर पे ले जा के रखूँगा इसको, बाकी बहुत मुश्किल के बाद मिला, देख सकते हैं पूरा पसीना से तरबतर हो चुके हैं। बाकी दोस्तों, अब जो है अब हमारा आज दूसरा दिन है यहाँ पे, जो है आने में बहुत दिक्कत हुआ लेकिन मज़ा बहुत आया यहाँ पे। बाकी अब ऊपर जाते हैं, वहाँ गाड़ी वगैरह रखा हुआ है हमने। यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं तो ये ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मतलब दूर इन द सेंस क्या है, ये रास्ते जो है बहुत कठिन है, ऐसा बहुत मतलब दिक्कत देने वाले रास्ते हैं, लेकिन है बहुत पास में। ये था आपका 175 समथिंग या फिर 100 किलोमीटर के आसपास का था ये। अब ये पहाड़ी इलाके में क्या होते हैं, गोल गोल रास्ते होते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है रास्ते भी अब पिच नहीं होते सारे, क्या सारे आपके क्या होते हैं ऐसे धूल भरे, पूरा मतलब टायर पूरा धस जाते हैं अंदर, ऐसा धूल होता है। ऊपर से अभी तो ऊपर से कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बाकी एक शालिग्राम मिला है, खाली हाथ तो लौटना नहीं पड़ेगा घर, एक तो मिला एटलीस्ट शालिग्राम। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम जाएंगे दूसरे रास्ते से। हम आए थे
एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में कहा था आप लोगों से कि हम जो है पालपा होते हुए आएंगे बोला था, लेकिन हम जो आए इधर कावसती होते हुए आए थे। अब जो है हम जाएंगे तो इधर से पालपा होते हुए ही जाएंगे। रामनगर है, रामनगर से होते हुए इधर से क्रॉस करेंगे। तो चलते हैं अभी गाड़ी के पास, बहुत थक चुके हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। सी दोस्तों हम जो है आ चुके हैं अब बुटोल, फाइनली वी रीच बुटोल। अब जो है यहाँ से हमारा घर आधे घंटे की रास्ते पे है, हालत बहुत ख़राब हो चुका है। रास्ता इधर का ठीक था, बहुत अच्छा था, इधर से पालपा की तरफ से आए हम लोग, बहुत अच्छा रास्ता था। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो जो है मुझे जो है आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, शायद नेपाल का ही हो सकता है वो भी। सी यू गाइज़।